कायरन पॉलर्ड, जिनका नाम T20 क्रिकेट में बड़े सम्मान से लिया जाता है। वो वेस्ट इंडीज टीम के वनडे मैच के कप्तान है, लेकिन IPL में इस खिलाड़ी का अलग ही रुतबा है। फटाफट क्रिकेट में इस खिलाड़ी की ऐसी साख है कि इनके सामने बड़े बड़े गेंदबाज गेंद डालने से डरते हैं। इनके पास आज के समय में सब कुछ है, दौलत भी है और शोहरत भी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब पॉलर्ड के पास कुछ भी नहीं था। वे ड्रग्स और जुर्म की ऐसी दुनिया से आते हैं जहां पलने वाले ज्यादातर लोग क्रिमिनल ही बनते हैं। जन्म और परिवार। 12 मई 1987 को पॉलर्ड का जन्म त्रिनिदाद में हुआ था। पॉलर्ड ने अपने बचपन के दिन बहुत ही गरीबी में बिताए थे। उनको पालने का जी जिम्मा उनकी मां पर था। उनके पिता बचपन में ही उन्हें बिना बताए बेसहारा छोड़कर चले गए थे। पॉलर्ड की दो बहनें भी थी, जिनका ख्याल रखना उनकी मां के लिए काफी मुश्किल था। पॉलर्ड की मां बच्चों को पालने के लिए त्रिनिदाद के टूना पूना शहर में आ गई। क्राइम के हिसाब से यह जगह सबसे ऊपर में आती थी, ऐसी जगह जहां ड्रग्स, हत्या, लूट आम बात थी। पॉलर्ड ने अपना बचपन ऐसी जगह पर बिताया। पॉलर्ड ने बचपन से ही खून खराबा और लूटपाट देखा, लेकिन उन्होंने कभी भी जुर्म के रास्ते को अपना सफर नहीं बनाया, क्योंकि पॉलर्ड को पता था कि उनके ऊपर उनकी माँ और दो बहनों का जिम्मा है। वे सोचते थे कि आगे जाकर उन्हें एक बेहतर जीवन देना है। इनकी शादी जेना अली से हुई। शादी के बाद इनके बच्चे भी हुए। इनके एक लड़का और एक लड़की है। करियर की शुरुआत। पॉलर्ड ने जुर्म की दलदल में फंसने के बजाय क्रिकेट को अपना सफर चुना। बचपन में पॉलर्ड को अपनी क्रिकेट की काबिलियत का एहसास हुआ था। पॉलर्ड जिस जगह से आते हैं, वहाँ के लोगों की काठी एथलेटिक्स के हिसाब से काफी शानदार होती है। यह वही जगह है जहाँ से एटो बोल्टन जैसे स्पिनर निकल कर आए हैं। पॉलर्ड को एथलेटिक विरासत में मिला। उनकी शारीरिक बनावट क्रिकेट में लंबे छक्के लगाने में मदद देती थी, जिसको देखकर पॉलर्ड को 2006 में वेस्ट इंडीज की अंडर 19 टीम में खेलने का मौका मिल गया। पॉलर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उनका इंटरनेशनल डेब्यू 10 अप्रैल 2017 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ, जहां वे केवल 17 गेंदों में 10 रन ही बना सके और गेंदबाजी करते हुए उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला। IPL ने बदली किस्मत। IPL ने पॉलर्ड को हर वो चीज दी जिसके वह हकदार थे। अब वक्त क्रिकेट में T20 का था, जहां क्रिकेट में पॉलर्ड जैसे खिलाड़ी की जरूरत थी। कहते हैं ना कि अगर आपके पास काबिलियत है तो तकदीर अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। एक ऐसा ही किस्सा पॉलर्ड के साथ हुआ। यह वक्त IPL का था, जहां फ्रेंचाइजी ने बड़ी बड़ी बोलियां लगाकर नए नए क्रिकेटर्स को रातों रात करोड़पति बना दिया। पॉलर्ड की किस्मत भी एक तरह से IPL में आने के बाद ही बदली। मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2010 में 5.50 करोड़ की भारी भरकम बोली लगाकर उनको खरीद लिया। आगे बात करते हैं कायरन पॉलर्ड के पर्सनल स्टैट्स के बारे में। हाइट 6 फीट 4 इंच, वेट 98 kg, बॉडी मेजरमेंट चेस्ट 44 इंचेस, वेस्ट 36 इंचेस, बाइसेप्स 17 इंचेस, आई डार्क ब्राउन, हेयर कलर डार्क, जर्सी नंबर 55, वेस्ट इंडीज IPL। कायरन पॉलर्ड नेटवर्थ। कायरन पॉलर्ड की अनुमानित कमाई 2020 तक 100 करोड़ है। कायरन पॉलर्ड कार कलेक्शन। पॉलर्ड के पास BMW M3 और Audi RS7 है। सम लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट कायरन पॉलर्ड। क्या कायरन पॉलर्ड धूम्रपान करते हैं? नहीं। क्या कायरन पॉलर्ड शराब पीते हैं? हाँ। 2010 के IPL में वह हाईएस्ट पेड क्रिकेटर थे।
2013 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल मैच में उन्होंने 3 गेंदों में 3 बार माइकल हसी की कैच ड्रॉप की थी। एक बार जब क्रिकेटर लुइस ने 97 रन बनाए थे तो वह फर्स्ट शतक लगाने वाले थे, तभी पोलार्ड ने जानबूझकर नो बॉल दिया जिससे लुइस शतक ना लगा पाए। दरअसल लुइस बहुत ही तेजी से रन बना रहे थे। उस मैच में उन्होंने केवल 32 गेंदों में 97 रन बनाए थे। तो ये थी कायरन पोलार्ड की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए टोकोफीड एंटरटेनमेंट को।